हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सुजीत। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाला हूँ सिम का हिस्ट्री के बारे में। सभी लोग हिस्ट्री जानना बहुत ही पसंद करेंगे, तो हिस्ट्री के बारे में हम आज जानेंगे सिम का। तो पहले एक वीडियो डाला था जो हाउ टू वर्क सिम, इस तरफ का एक वीडियो डाला था, आई बटन पर लिंक दे दिया, उस वीडियो अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो पहले सिम का फुल फॉर्म से स्टार्ट करता हूँ। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जिसको हिंदी में कहती है ग्राहक पहचान मॉड्यूल। और आपको मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड में पहले सिम आया था 1991 में, और इनका आविष्कार किया था एक ग्रामर कंपनी ने, जिसका नाम था गेसेक एंड डिवरेंट। ऐसे एक कंपनी इस सिम का आविष्कार किया था। बट इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि एक कंपनी तो सिम तो बनाया था, लेकिन सबसे पहले ए सिम इस्तेमाल नहीं किया था। सबसे पहले अपना 300 सिम फिनलैंड का एक कंपनी रेडियो लिंजा जैसे एक कंपनी को बेच दिया था। अब सिम कार्ड का टाइप के बारे में हम बताता हूँ। पहला जो सिम कार्ड मार्केट में आता था, वो सिम देखने में एक एटीएम कार्ड जैसा बड़ा था। और आज हम नैनो सिम यूज कर रहे, धीरे धीरे ये अपडेट होते रहे हैं, तो हम इसका कैटेगरी के बारे में हम भी डिस्कस करता हूँ। 1996 में एक सिम आया था मार्केट में, जिसका नाम था मिनी सिम। उसका साइज बिल्कुल इस तरफ का है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इस तरफ का इसका साइज था। उसके बाद 2003 में माइक्रो सिम आया, जिसका इस्तेमाल एप्पल का आईफोन 4 में किया गया था। धीरे धीरे अपना स्मार्टफोन में भी ऐसा सिम यूज करने लगा। उसके बाद और भी छोटा सिम बनाया गया, उसका नाम था नैनो सिम, जो मार्केट में आया था 2014 में। इस सिम का पहला इस्तेमाल किया था एप्पल का आईफोन 5 में, और आज हम लोगों ने स्मार्टफोन में भी नैनो सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाल ही में एक सिम आया था जिसका नाम था ई सिम, जिसका शुरुआत पहले एप्पल का आईफोन X में हुआ था। धीरे धीरे अपना स्मार्टफोन में भी आ जाएगा। तो ऐसा ही है कुछ सिम का कैटेगरी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इंडिया में जो हम लोग सिम यूज करते हैं उसका ऑपरेटर के बारे में हम लोगों को तो जरूर पता है। जैसे हमारा पास एयरटेल है, जियो है, VI है, और BSNL इस मेजर ऑपरेटर्स हैं। बट आपको USA का क्या पता है? USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ब्राज़ील, इनके बारे में आपको नहीं पता। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर ले। पहले USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इधर पर जो टेलीकॉम कंपनी का सिम यूज किया जाता है वो है AT&T, कॉमकास्ट, स्प्रिंट, इस तरफ का और भी कही जाता है, इस तरफ का सिम इधर पर यूज किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में टेलस्ट्रा, ऑप्टास, TPG, भोकास, NBN, वोडाफोन, इस तरफ का टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम यूज किया जाता है। चाइना में चाइना टेलीकॉम है, चाइना टाइटोंग है, चाइना यूनिकॉम है, इस तरफ का है। और ब्राज़ील में OI, TIM, वीवो एंड GVT, एल्गार टेलीकॉम, इस तरफ का टेलीकॉम उधर पर रहती है। उसके बाद हांगकांग के बारे में बताता हूँ। हांगकांग में PCCW, हांगकांग ब्रॉडबैंड, वार्फ, TNT, इस तरफ का टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम यूज किया जाता है। साउथ कोरिया में जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो है KT, यानी कि कोरिया टेलीकॉम, LGU, SK ब्रॉडबैंड। उसके बाद थाईलैंड के बारे में बताता हूँ। थाईलैंड में ट्रू कॉरपोरेशन, कैट टेलीकॉम, इस तरफ का टेलीकॉम कंपनी रहती है। साउथ अफ्रीका में वोडाकॉम यानी कि वोडाफोन, MTN और नियोटेल, इस तरफ का टेलीकॉम कंपनी रहती है और उनका सिम यूज करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ठोक देना, अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल में अपलोड करता हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।